आवाज अंजुम टीवी, खुशियों की आवाज। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम जनाब। एक बार फिर जनाब आपको भाई, आपको बेटो, आपको दोस्त नवाज अंजुम, जनाब नवाज अंजुम टीवी के सागर फिर हाजिर है जी प्रोग्राम फन सागर फनकार में। जनाब दोस्तान, जनाब बहुत अप्रिशिएट करिए जनाब अशरफ साहब ने, मकबूल साहब ने और अफजल बागड़ी साहब ने। जनाब मेरा जनाब घर का मेम्बर है और इन्हें कहो मैं खादिम नौकर, इन्हों को बच्चों। तो जनाब लोका के नवाज भाई जहाँ जिन्हें तो अफजल बागड़ी की आवाज़ सुनाई है तो अपनों भी कोई कलाम सुनाओ। तो मैं जनाब मैं इजाज़त हूँ, मेरा बड़ा बैठे जनाब, क्योंकि वो कभी नहीं कहे जनाब सूरज के चिराग दिखाने का मुतरादिफ है कि मैं ऐसा ऐसा सूरज मेरे सामने बैठे और मैं तो एक आम सो फनकार। तो जनाब मैं थाने सलाम अर्ज करूँ जनाब के ते जरूर जरा तवज्जो से जरा सुनना। यार मंगे असीर बते तो रोके, यार मंगे असीर बते तो रोके, केड़ी मैं मंगली खुदाई भाई मकबूल साहब। Yeah.
दिल तन का ओ जमाना माड़ा सपिया सोच न पाजरिया सोच न पाजरिया तेरी बदनामी हो तेरी बदनामी हो आबरू से डरिए जमाना माड़ा सपिया सोच न पाजरिया Oh,
असल बावड़ी माशाल्लाह जो भी गाए जनाब तो आउट क्लास और मज़ेदार जनाब महाराज देखने वाला भाई है जितना भी हरियाणवी भाई है जाट राणा राव राजपूत मवाती बागड़ी जितना भी अपना भी है तो जनाब मैं सब ना कहूँगा जनाब के अफजल बागड़ी ने ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अपनों सांग हुआ है कोई प्रोग्राम हुआ है तो जनाब अशरफ भाई ने मकबूल साहब ने अपना खिता का अपना इलाका का ए फनकार है तो इन्होंने फरोग देना चाहिए ए पस्ती की तरफ क्यों है कि अपना इन्हें की तरफ तवज्जो कोनी थी तो भाई जिन्हें भी कोई काम हुआ है तो जनाब नीचे मेरा नंबर चलने लग रहे हो इन को रब तो मेरे कहने है तो जनाब कहेंगे कोई घर को कोई फंक्शन हुआ कोई बात हुआ तो मेरे साथ ज़रूर रब तो करना जनाब ए बह लोग है जनाब जिसा है तो 24 कैरेट का लेकिन इन्हें को पर गर्द आई डी है तो मैं गर्द ना मैं उतार गया इन्हें ना प्रोमिनेंट करना है ए बह लोग है जिसा अवार्ड का काबिल है ए बह लोग है जिसा गवर्नमेंट का तमगा इम्तियाज का काबिल है कि मैं कहूँ कि अपनों को इसको लोग ही को नहीं इसको अपना प्लेटफार्म ही को नहीं कि मैं अपनी आवाज़ आगे तक सुना सकाँ तो जनाब मैं नवाज़ अंजुम टीवी का हवाला सूँ क्योंकि मेरी माँ बोली को टीवी है जी मैं कोई प्रॉफिट या कोई काम वास्ते कोई काम को नहीं करने ला रहे हो सिर्फ अपनी माँ बोली का वास्ते काम करने ला रही हूँ ताकि यार जिसा मैं 4 करोड़ लोग पाकिस्तान में यार 4 करोड़ में कुछ तो लोग यकजा हो जाओ यार तो मैं सब ने यकजा करने वास्ते वो चैनल बनाए ताकि अपनी माँ बोली ने जिसकी दफन हो गई है वरना सर राजा महाराजा की दौर की ज़ुबान है यार एम उस उर्दू निकल रही है एम उस सारी ज़ुबान निकल रही है अबा हमारी ज़ुबान है तो एन है फ़रोग करो इन ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दो और अपनी माँ बोली बोलता है ना शर्माया करो कि अपा अपनी बोली बोल गए दूसरे की बोली शुरू हो गया अरे अपनी तो भाई रीत रिवाज अरे सगड़ा न्यारा ही है सारा सो तो भाई इन्हें प्रमोट ज़रूर करो अपना भाई नवाज अजीम ने इजाज़त दो 4 करोड़ की बोली को नहीं है 10 करोड़ के बोल जी पता है और फिर भी जो है अपनी बोली जो है पीछे जा रही है मैं करूँ कि जी देखो आप सराइकी देखो वो काम कर रहे हैं तो हर तरफ सराइकी होगी जब हम अपने इवन हमारी बोली में मेहंदी हसन साहब शमशाद बेगम मसूद राणा साहब आप ये देखो कि जिसने भी हिंदुस्तान में आप हर फिल्म में आप राजस्थानी गाना सुनोगे आप हर फिल्म में ना आप देखोगे कि राजस्थानी किरदार होता है तो यार हम अपनी बोलियों क्यों नहीं फ़रोग दे रहे कि तो हमें अपनी ज़ुबान को आगे लेके आना चाहिए हमें ठीक है हम पढ़ लिख गए सब कुछ हो गए लेकिन अपना जो कल्चर है असल वो कल्चर ही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ज़रूर और लाइक करना और अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजना अपने भाई नवाज अंजुम को इजाज़त दो अल्लाह सोने के वाले नवाज अंजुम टीवी खुशियों की आवाज़।